ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, इस वीडियो में सुनेंगे माघ मास की आगे की कथा। पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। देवदूति कहने लगा, केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश विदेश में घूमता, किसी व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बांधव ना होने के कारण उसकी अर्ध वैदिक क्रिया नहीं हुई और ना ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चीरकाल तक फिरता रहा। शीत, ताप, भूख, प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसको कहीं सदगति नहीं दिखाई देती थी। सर्वथा दान न देने से वह अपने कर्म फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, वे आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं। जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण, वस्त्र, तांबूल, रत्न, फल तथा जल नहीं देते तथा छल कपड़ से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों तथा स्त्रियों का धन हरने वाले, पाखंडी, कुटिल, चोर, बाल वृद्ध तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता, भाई बहन, संतान तथा अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले, गौर तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, वृथा दो करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, यह सभी बारंबार प्रेत, पिशाच, राक्षस तथा बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। अतएव बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य तथा यज्ञ दान और तप आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अश्वमेध मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि इस प्रकार उस केरल ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके एक मार्ग में एक पथिक को देखा, जो दो गगरिया में त्रिवेणी का जल लिए हुए था, आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोककर कहा कि तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझको पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगा। देवदूति कहने लगा कि दुखी, दुर्बल, नंगे, मुरझाए हुए तुम कौन हो? पैरों से पृथ्वी को स्पर्श ना करके चलते हो। लोमस जी बोले, प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा कि मेरे ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी, क्रियाहीन, दूसरे के अन्न से पलने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, ना दूसरे के दुख से दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता, जूता दान नहीं किया, ना किसी को जल का पात्र, पान या औषधि किसी को नहीं दी। ना मैंने अपने घर में कभी किसी अतिथि को ठहरा कर उसका सत्कार किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और तीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया और ना ही किसी रोगी को मुक्त किया। ना कभी ब्राह्मणों को दान दिया, ना कभी अग्नि में हवन किया। वैशाख आदि मास में किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया, नहीं मैंने वर या पीपल का कोई वृक्ष लगाया, ना किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया, कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कार्यों में ही व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्याघ्र, भेड़िये से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरने का सुंदर जल सभी मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल पवन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से लाभ हानि, सुख दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित तथा पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। काने, लूले, लंगरे, नीतिहीन, निर्गुण, नपुंसक भाग्य से राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए।
क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। ग्रह नक्षत्र देवता सर्वदा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है उसको प्रेत पिशाच पूतना कोई बाधा नहीं दे सकते। भूत पैताल पिशाच गंधर्व काकिन साकनी ग्रह रेवती यज्ञ मातृ ग्रह भयंकर ग्रह कृत्या सर्व कुष्मांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरह देख भी नहीं सकते। जिसकी जिह्वा पर गोविंद का नाम हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है जो पवित्र और दानी है उनको कभी भय नहीं हो सकता। ब्राह्मण इस प्रकार कर्मों का फल भुगता हुआ मैं यहाँ रहता हूँ ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं जम्बालिनी नदी के किनारे पर गया था। वहाँ पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। पथिक कहने लगा कि हे प्रेत तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे सो कृपा करके कहिए। प्रेत कहने लगा कि इस वन में कोहरा नाम की नदी पर्वत से निकली है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुँचा और थकावट दूर करने के लिए वहाँ पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया जहां एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया और तो सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए परंतु सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं पर रुक गई। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा हे बंदर तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो। इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरे के कर्मों को नहीं देखते। जल की कोई खाने वाले आकाश में उड़ने वाले वन में रहने वाले अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले चोरी ना करने वाले बूढ़ों की संगति से वर्जित किसी को कष्ट ना देने वाले हैं सो इस प्रकार मुझे निरपराधी को ये बंदर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के वृत्तांत जानता हूँ। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को कैसे जानते हो। तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला। सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वृत्तांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया सो बानर प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभीपाक नरक में गिराए गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम बानर और वनवासी हुए। प्राणी अवश्य में अपने किए हुए कर्मों को भोगता है इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस कारण इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा कहकर वानर कहने लगा कि यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ तुम पक्षी कैसे हुए। सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मण के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए थे। मैंने पुरोहिताई के मत से थोड़ा सा ब्राह्मण को दिया और बाकी सब मैं आप हर ले गया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मैं पहले कालसूत्र नरक में और फिर रक्त कर्दुम नरक में जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीप से भरा हुआ नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए पीप चाटता हुआ उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक उस यातना को भोगता रहा। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था इसको मैंने एक जुआरी को दिया। इसी से मैं सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री
पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी, इसने भी कांसे की चोरी की थी, इसी से यह मेरी स्त्री और सारसी हुई। यह सब मैंने तुमसे कर्म फल कहा। अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं, तुम और यह मेरी स्त्री भी हंस होंगे और कामरूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौर योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। ना केवल हम ही परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े सभी से कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन में फिरते हो और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धर कर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में विचरूंगा। प्रेत कहने लगा कि हे पति, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना, तब मुझको बोध हुआ और मोह तथा शोक का नाश हुआ। कथा समाप्त। आगे की कथा दूसरी वीडियो में सुनेंगे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु एवं भगवान श्री कृष्ण की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल फेवरेट त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना।